एक मुगल शहजादी का साइलेंट सेक्रीफाइस जिसे इतिहास ने भुला दिया। अगर वो नहीं रहती तो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान में रखने की बात तो दूर, फरगना का प्रांत भी जो उनके पिता का किंगडम था वो भी बाबर के हाथ से निकल जाता। वो थी खानजादा बेगम जो बाबर की बड़ी बहन थी। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम खानजादा बेगम के बारे में बात करेंगे जो बाबर और हुमायूं दोनों के समय में मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ मुगल एम्पायर माना जाता था। उन्हें पासा बेगम ऑफ हिंदुस्तान की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनकी चर्चा इतिहास में बहुत कम हुई है। आज बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार में उनका योगदान की चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खानजादा बेगम का जन्म 1478 में फरगना में हुआ था जो आधुनिक उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता उमर शेख मिर्जा ये फरगना के आमिर थे और इनकी माता कुदलुग निगार खानम थी। खानजादा बेगम का 5 साल छोटा एक भाई था जिसे इतिहास में जियाउद्दीन बाबर के नाम से जाना जाता और वो हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर मात्र 14 साल का था तब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई थी और फरगना का किंगडम उसके हाथों में आ गया। लेकिन उज्बेक लीडर शैबानी खान की बुरी नज़र फरगना और उससे सटे हुए समरकंद पर थी और उसे वह बाबर के हाथ से छीनना चाहता था। बाबर चूंकि मात्र 14 साल का था और इसका फायदा उठाकर शैबानी खान ने फरगना के किले को चारों ओर से घेर लिया। करीब 6 महीने तक शैबानी खान के सिपाहियों ने फरगना के किले को चारों तरफ से घेरे रखा। ऐसा लग रहा था कि अब बाबर का परास्त होना निश्चय ही था, क्योंकि 6 महीने तक शैबानी खान के घेराव के कारण किले में रसद पानी की कमी हो रही थी। इस दुख और परेशानी की घड़ी में बाबर और खानजादा बेगम के कोई भी रिश्तेदार जो उस इलाका में बड़े बड़े अमीर और सरदार थे किसी ने भी मदद नहीं की। अचानक एक दिन शैबानी खान ने बाबर को यह संदेश भिजवाया कि अगर बाबर अपनी बहन खानजादा की शादी शैबानी खान से कर दे तो शैबानी खान बाबर से मित्रता करने को तैयार है। लेकिन बाबर अपनी बड़ी बहन से बहुत ही प्यार करता था और अपने शत्रु शैबानी खान के साथ निकाह करने के लिए अपनी बहन का बिल्कुल तैयार नहीं था। खानजादा बेगम एक राजकुमारी थी जो पूरे शानो शौकत से पूरे प्रोटेक्शन में पली बढ़ी थी। उसे शत्रु को सौंप देना एक भाई के लिए गवारा नहीं था, लेकिन खानजादा बेगम जानती थी उसका शैबानी खान से निकाह ही वह कुंजी थी जिससे उसके भाई का, उसके परिवार का, उसके फरगना के साम्राज्य का और आम लोगों का फरगना के सुरक्षा हो सकती थी। खानजादा बेगम ये बात समझ चुकी थी कि अगर उसका भाई बाबर बचेगा तो उसका परिवार भी बचेगा और उसका फरगना का किंगडम भी सुरक्षित रह पाएगा। तो 23 साल की खानजादा बेगम ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने भाग्य को स्वीकार कर शैबानी खान से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। और खानजादा बेगम का ये निर्णय बाबर को शैबानी खान के ट्रैप से सुरक्षित बचा लेगी। इस तरह खानजादा उज्बेक लीडर शैबानी खान के हाथों में आ गई। यूं तो दोनों का निकाह हो गया और उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था खुर्रम, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन शैबानी खान खानजादा बेगम के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था, मारता पीटता था और हमलेट भी करता था। लेकिन अपने भाई बाबर और उसके साम्राज्य के सलामती के लिए खानजादा बेगम ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करती रही। लेकिन बाबर और शैबानी खान के साथ जब भी कोई डिस्प्यूटेड मैटर रहता था खानजादा बेगम हमेशा अपने भाई का पक्ष लेती थी। इससे शैबानी खान बहुत गुस्से में रहता था और एक दिन उसने इसी बात पर खानजादा को तलाक दे दिया। शैबानी खान के साथ तलाक के बाद खानजादा बेगम का एक लोअर रैंक के सैयद हादा के साथ शादी हुई। खानजादा बेगम को अभी और दिख झेलने बाकी थे। पर्सियन किंग इस्माइल खान और शैबानी खान के साथ युद्ध में शैबानी खान मारा गया, साथ ही खानजादा बेगम का पति सैयद हादा भी मारा गया। पर्सियन किंग शाह इस्माइल को जब खानजादा बेगम के बारे में पता चला तो उसने पूरे सम्मान के साथ खानजादा को बाबर के पास भेज दिया। बाबर अपनी बहन को वापस अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हुआ। बाबर की सुरक्षा और बाबर के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए खानजादा बेगम ने कई सालों तक त्याग में बिता दिए। खानजादा बेगम का तीसरी बार निकाह हुआ महदी ख्वाजा के साथ। खानजादा बेगम को इस निकाह से कोई संतान नहीं था, लेकिन वो महदी ख्वाजा की एक छोटी बहन सुल्तानम बेगम को अपनी पुत्री की तरह लालन पालन करती थी और बाद में उसकी शादी अपने भाई बाबर के सबसे छोटे पुत्र हिंदल मिर्जा से करवा दी। कहा जाता है
कि इस शादी की जिम्मेवारी खानजादा बेगम ने खुद ली और ये शादी इतनी भव्य हुई कि दशकों तक लोग इस शादी की चर्चा करते थे। बाबर की मृत्यु के बाद भी खानजादा बेगम का रुतबा कम नहीं हुआ मुगल एम्पायर दरबार और महल में। बाबर के मरने पर हुमायूं के शासनकाल में भी वो दरबार और महल की मोस्ट पावरफुल वुमेन थी। खानजादा बेगम की मृत्यु 1545 में तब हुई जब वो अपने भतीजे हुमायूं के साथ कांधार जा रही थी हुमायूं के सौतेले भाई कामरान मिर्जा से मिलने के लिए। रास्ते में उन्हें बुखार आ गया। 3 दिन के बाद चौथे दिन उनकी बुखार से ही मृत्यु हो गई। तभी वो काबुल चक में थी, वहीं उन्हें दफना दिया गया। बाद में उनके मृत शरीर को काबुल लाया गया और बाबर के बगल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में खानजादा बेगम के सेक्रीफाइस की चर्चा की है। उन्होंने खानजादा बेगम को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम एक बहुत बड़ी नायिका हो, मुझे बचाने वाली मेरी संरक्षक हो, तुम मेरी गॉडेस हो, मेरी गुड लक चार्म हो। बिना तुम्हारे त्याग के मैं कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता, मैं कभी काबुल नहीं जीत पाता और अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदुस्तान तक नहीं कर पाता। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। तुम सिर्फ मेरी परिवार की सदस्य ही नहीं हो बल्कि इस परिवार की मुखिया हो, इसलिए तुम पाशा बेगम हो। तुम इस क्लैन की प्रकाश हो, लाइट हो। हम हैं क्योंकि तुम मेरे साथ थी, तुम्हारा त्याग मेरे साथ। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।